हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अंकित भाटी, रोजगार विद अंकित चैनल में आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं। दोस्तों, क्लास टू रैंकिंग टेस्ट, क्लास वन हम लोग ले चुके हैं। वैसे आपको बता दूं कि रीजनिंग जब से चल रहा है, ये 9th चैप्टर है। इससे पहले 8 चैप्टर हम ऑलरेडी कर चुके हैं एकदम क्रम से, ठीक है। किस किस क्रम में कौन कौन सा चैप्टर कराएंगे वो मैंने आपको इसकी जब क्लास वन कराई थी कितने चैप्टर्स हैं वो सब कुछ दिखा दिया था। आप फर्स्ट वीडियो में देख सकते हैं क्या कोर्स है किसी भी एग्ज़ाम में रीजनिंग का, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो क्लास टू में देखते हैं, कुछ थोड़ा सा हम लेवल बढ़ाएंगे। क्लास वन सबको बहुत ही आसान लगी होगी, आपको लगा होगा कि कुछ क्वेश्चन होते ही नहीं है इस चैप्टर में, तो ठीक है। तो अब क्लास टू देखते हैं कि भाई थोड़ा सा लेवल अप करते हैं अपना। चलिए देखते हैं आज का पहला सवाल क्या है। क्वेश्चन बहुत ही आसान लगना चाहिए आप लोगों को और है भी आसान, कोशिश करिएगा। देखिए, कभी कभी होता है, अब तक हम राम श्याम का, घनश्याम का इधर उधर से क्रम पढ़ रहे थे, लेकिन कुछ थोड़ी सी लैंग्वेज हटके भी दे देता है। जैसे ये दिया है, टोटल 60 छात्र हैं, उनमें लड़कियाँ भी हैं और लड़के भी हैं, और बताया है कि लड़कियाँ लड़कों से दुगनी हैं। मतलब दो तरह को बांट दिया छात्रों को, दो भागों में, लड़के और लड़कियों में, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहीं पे बना लेता हूँ। यहाँ सबको दिखाई दे रहा होगा आई होप, कि देखिए टोटल हैं 60 छात्र, उनमें बोला है लड़कियाँ लड़कों से दुगनी हैं, तो आप सब जानते हैं कि 40-20 का ही रेशो बनेगा अगर दुगना मुझे करना है तो ये लड़कियाँ होंगी यानी गर्ल्स होंगी और ये बॉयज होंगे, ठीक है, कोई डाउट नहीं यहाँ तक। अब बोलता है कि कमल का पद ऊपर से, अब उसने ऊपर से बोला है तो मुझे लाइन ऐसे नहीं खींचनी चाहिए कायदे में, फिर मेरे को लाइन ऐसे खींच देनी चाहिए कि अगर ऊपर से बोलता है तो मैं ऐसे खींच लेता हूँ, ठीक है। तो बोलता है कमल का पद, पद का मतलब है स्थान, ऊपर से 17वां, तो कमल का जो नंबर है वो ऊपर से 17वां है, तो मैं 17 यहाँ मान लेता हूँ और इसका नाम लिख देता हूँ कमल। चलिए, ऊपर से इसलिए मैंने ये तीर लगा दिया, क्योंकि 17 लिखोगे तो ये नहीं पता रहेगा कि ये नीचे से है या ऊपर से है। चलिए, तो कमल से आगे, कमल का स्थान ऊपर से 17वां, और पदों में यानी स्थानों में कमल से आगे 9 लड़कियां खड़ी हैं। बहुत कायदे की बात है कि इससे ऊपर 9 लड़कियां हैं, ये गर्ल्स हैं, गर्ल्स, ठीक है। लड़के कितने, ऐसा नहीं है सिर्फ 9 ही लोग हैं इससे ऊपर, लड़के भी हैं, क्योंकि आपको पता है ये ऊपर से 17वां, तो 16 लोग हैं इसके ऊपर। अगर 16 ऊपर हैं तो 9 लड़कियां हैं, 7 लड़के भी होंगे, इस बात में कोई डाउट नहीं है। चलिए, अब मैं क्या बोलता हूँ, तो कितने लड़के उससे पीछे हैं, मतलब नीचे हैं, ऐसे समझ लीजिएगा। तो भाई जब 9 लड़कियां ऊपर हैं, टोटल है 17 लोग, 17वां स्थान इसका, तो 9 और 8 17 होते हैं, पर 8वां तो ये खुद ही है। तो लड़के 8 थे लेकिन 8वां ये खुद ही है, क्योंकि 17वां तभी तो बनेगा। तो 7 बॉयज इससे ऊपर हैं, अगर 7 बॉयज इससे ऊपर हैं तो इससे नीचे एक 8वां बॉयज ये खुद हो गया, तो इससे ऊपर नीचे कितने बॉयज बच गए, क्योंकि टोटल हैं 20, तो 8वां ये खुद है, तो 12 लड़के, 12 लड़के, लड़कियों की बात नहीं कर रहा मैं, तो 12 लड़के इससे नीचे होंगे, इस बात में कोई डाउट नहीं है और यही पूछा था। चलिए अगले सवाल की बात कर लूं, कि अगला क्या सवाल बोल रहा है कि लड़कों की एक पंक्ति में मोहन बाएं छोर से 20वां है। चलो 20वां भी कर लेंगे, बाएं दाएं छोर है तो ऐसे बना लेता हूं इस बार, और नाम है मोहन बाएं छोर से। चलिए भाई, मोहन नाम है, बाएं छोर से है, और कितने नंबर पर है, 12वें पर, ये मैंने तीर लगा दिया। बायां इधर लेफ्ट है यानी बायां है, ओ सॉरी 20 है, चलिए 20 कर देते हैं, 20 कर देते हैं भाई, बाएं छोर से 20वें पर है, और दाएं छोर से यानी राइट साइड से कितने पर है, अगर आप देखें तो दाएं छोर से 12वें पर है। क्या नाम है इसका, मोहन की बात चल रही है, दोनों छोर से, तो राइट साइड से ये 12वें पर है और लेफ्ट साइड से ये हो जाएगा, समझ लीजिएगा, 20वें से। अब एक आदमी का
दोनों तरफ से आपको नंबर पता चल जाता है, तो पंक्ति में दो टोटल पता करने में कोई दिक्कत नहीं होती। इन दोनों को जोड़ो, एक कम कर दो, 31 लोग पंक्ति में होंगे। जब भी एक स्थान आपको दोनों तरफ से पता लग जाए, इस रूल को फॉलो कर सकते हो। चलिए, तो पंक्ति में प्रताप, मतलब आपको टोटल पता लग गई कितने हैं पंक्ति में, इस बात में कोई शक नहीं, 20 × 32 − 1 यानी 31 लोग टोटल हैं। चलिए, बहुत अच्छा चीज़ पता लग गई है, उस पंक्ति में प्रताप दाएं छोर से 15वां है, तो प्रताप ये 12वां था, तो प्रताप यहाँ हो गया, प्रताप हो गया, नाम प्रताप है, और दाएं छोर से कितना है, 15वां है, 15वां है दाएं छोर से। ठीक है, तो अब क्या करें, प्रताप दाएं से 15वां। चलो, तो मोहन और प्रताप के बीच में कितने लड़के, तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन इसने पूछ लिया कि मोहन तो पहले से ही 12वां था, प्रताप इधर से ही 15वां है, तो कुछ टोटल वोटल पता करने की जरूरत ही नहीं थी, तो इसका मतलब 12 तो 13वां भी बीच में खड़ा होगा इन दोनों के, 14वां भी बीच में खड़ा होगा, मात्र दो ही लोग हैं, इट मीन्स बीच में कितने लोग हो गए, दो, ये आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पंक्ति में प्रभु बाएं से 9वां, तो देखिए हम एक लाइन बना लेते हैं, प्रभु बाएं से 9वां यानी बायां छोर इधर और दायां छोर इधर, 9वां कर दीजिए बाएं से प्रभु को, ये कर दिए प्रभु साहब, 9वें बाएं से, आगे करते हैं पद्मा दाएं से 12वीं, बिल्कुल सब कुछ ऐसे लिख के दिखा रहा हूँ आपको कि आप भी ऐसे ही लिखा करो और बहुत ही आसानी से इन सवालों को बना दिया करो। देखिए, पद्मा दाएं से 12वीं, अगले क्वेश्चन की बात करूँ, उसी पंक्ति में राम बाएं से 12वां, उसी पंक्ति में राम बाएं से 12वां, तो 12वां जब ये बाएं से 9वीं है तो फिर 12वां 10, 11, 12 आगे ही होगा इससे, तो मैं 12 लिख देता हूँ बाएं से और नाम है राम, जबकि राधा दाएं से 9वीं है, तो पद्मा इधर से 12वीं है, तो राधा यहाँ पे कहीं होगी 9वीं, तो ठीक है, और नाम है राधा। बहुत सही, हमने ऑलमोस्ट सबके नाम लिख लिए हैं जो भी इस सवाल में आए हैं। बोलता है प्रभु और राम के बीच में कितने छात्र हैं ये बता दीजिएगा। चलिए, तो प्रभु और राम के बीच में, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन पूछा, उनकी तो कोई जरूरत भी नहीं है अब आपको, दोनों का स्थान ही इधर से पता है, तो फिर बीच में देखने में दिक्कत क्या है, जब ये 9वां है और ये 12वां है तो बीच में 10वां और 11वें लोग ही बीच में हैं, बस और कोई है ही नहीं, मात्र दो लोग ही बीच में हैं, राम और प्रभु के। तो चलिए, अब मैं देखता हूँ इस सवाल में तो उत्तर है इनमें से कोई नहीं, क्योंकि देखिए अजीब सा ही कुछ पूछा था इसने, तो इसका इसके पूछने के अनुसार तो उत्तर दो ही आएगा और कुछ हो ही नहीं सकता। चलिए, अगले क्वेश्चन की बात करता हूं, तीस छात्रों की एक कक्षा में महेश बाएं सिरे से 14वें क्रम पर है, महेश बाएं सिरे से, तो मैं यहां से ऐसे एक लाइन बना देता हूँ, इसका नाम है महेश और जो बाएं से, तो बायां लिख दीजिए चाहे तो लाइन पर, जो हमारा बायां हाथ होता है उधर बाईं साइड लिखते हैं और जो हमारा दायां हाथ होता है उधर दाईं साइड लिखते हैं। तो बोलता है महेश बाएं सिरे से 14वें पर है, इधर से मैं गिनता हुआ आया हूँ तो ये 14वें पर है और नाम है महेश साहब। चलिए आगे बात करते हैं, तथा रमेश दाएं सिरे से 20वें पर है और मैं उधर से गिनता हुआ आऊं तो इसका नाम है रमेश जो दाएं से 20वें पर है। चलिए बहुत सही चल रहा है हमारा काम, रमेश का भी हो गया, रमेश और महेश के बीच में कितने छात्र हैं, जबकि आपको ये भी पता है टोटल 30 हैं, टोटल 30 हैं। तो अब आप एक बात सोचकर हैरान हो गए होंगे कि भाई अगर टोटल 30 हैं, अभी इतने पता है 14 हैं, इतने पता है 20 हैं, बीच में भी कुछ आएंगे, 20 और 14 34 ही ये लोग हो गए, तो टोटल 30 ही हैं, तो इसका मतलब हमने कुछ गड़बड़ किया है, इस सवाल को ऐसे नहीं करना, क्योंकि जब भी ऐसे आपके कम पड़ गए हैं
तो आपको क्या करना होगा कि बाएं सिरे से 14वां, दाएं सिरे से 20वां अगर आप गिनते हुए आ रहे हो तो जरूरी नहीं है कि यही 20वां बन जाए, ये तो हम अंदाजे से ले रहे थे, वो लाइन पे इधर भी आ सकता है, इसके इधर भी जा सकता है 20वां। ठीक है, जब आपको दिख रहा हो कि 20 और 14 34 तो यही हो जाएंगे और टोटल कम बैठ रहा है, तो फिर आपको चढ़ा कर लेना है एक दूसरे के ऊपर, बस यही बात आपको सोचने वाली है इन सवालों में, और कोई बात तंग नहीं करती। चलिए तो अब मैं क्या करूंगा, बिल्कुल वही चित्र दोबारा से बनाऊंगा। चित्र क्या, ये जो भी बना रहा हूं मैं, तो बाएं से यानी लेफ्ट साइड, ये राइट साइड, ठीक है, तो नाम दिया है महेश बाएं सिरे से 14वें पर। अब मुझे पता है तो दोनों को चढ़ा के लेना है, तो महेश बाएं सिरे से 14वें पर, रमेश दाएं सिरे से 20वें पर, तो रमेश को लीजिएगा राइट साइड से 20वां, यहाँ क्रॉस कर दिया, दोनों को क्रॉसिंग में लेना है। मुझे पता लग गया क्यों ले रहा हूँ मैं क्रॉसिंग में, चलिए आपको भी पता लगना चाहिए। चलिए ठीक है, अब बैठ सकते हैं ये 34 से कम, नहीं तो 34 से ज़्यादा ही बैठते पिछले वाली पोजिशन में। अब आप देखिएगा टोटल है 30, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है, अब मुझे टोटल 30 ही करना है, तो यहां तक तो मुझे पता है 20 है, लोग इतनी पंक्ति 20 है कि नहीं है, क्योंकि ये आदमी जो है उधर से 20वां है, तो इसका मतलब मुझे इधर इसके कितने करने हैं, 10 करने हैं, तो इसके इधर यानी रमेश जब उधर से 20वां है तो इसके इधर 10 लोग होंगे, क्यों होंगे, क्योंकि आपको पता है कक्षा में टोटल 30 है, इसलिए पता है। तो अब आपको ये पता करना है कि जब इसके इधर 10 हैं तो ये नंबर जब मैं इधर से गिनता हुआ आऊँगा तो 10 इसके इधर इधर बैठ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहीं बैठ जाएंगे 10, तो ये नंबर रमेश का 11वां बैठेगा इधर से, 11वां, ये 12वां, ये 13वां और 14वां, तो ये है ही इधर से ही तो आया ये 14वां, तो ऐसे फिट बैठ जाना चाहिए आपका क्रम कि ये अगर 10 हैं इधर तो ये 11वां बनेगा, और वो इससे 3 ज़्यादा है, मतलब ये 11वां बन रहा है इससे 3 ज़्यादा है, बड़ी संख्या आ जाए उसके लिए कह रहा हूँ, तो डंडे थोड़ी खींचते रहेंगे हम, तो ये 11वां आया और इससे 3 ज़्यादा है तो बीच में 2 होंगे, ये 11वां आया और इससे यहाँ 20वां होता, ये इधर से 20वां, तो मैं कहता 11 9 20 होते हैं, बीच में 8 होंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, बीच में कितने लोग हैं, बस 2, सिंपल, यहां तो मैं डंडे खींच के दिखा सकता हूं, 10 11वां ये हो गया, मुझे 14 करने हैं, 10 इधर हो गए, 11वां ये हो गया, 12वां 13वां और 14वां वो खुद है ही। ठीक है, तो आपने स्पष्ट रूप से समझ लिया होगा कि बीच में 2 लोग हैं और टोटल भी हमने 30 बिठा लिए। चलिए, और भी थे इसमें जानकारी अधूरी है और इनमें से कोई नहीं, ऐसा कोई ऑप्शन आपके लिए नहीं बना। चलिए अगला सवाल आता है हमारा, जो IAS में पूछा हुआ है प्री में, सोच लीजिएगा वहाँ भी सी सेट आता है, तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप देखिए कैसे इस सवाल को कर पाएंगे, कर भी पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये आप देखिएगा। तो किसी पंक्ति में श्रीमान एक्स सामने से 14वें स्थान पर हैं और श्रीमान वाई, नाम है किसी के, वाई अंत से 17वें स्थान पर हैं, तो मैं एक चित्र बना लेता हूं, एक डायग्राम बना लेता हूं, क्योंकि मैं भी आप ही की तरह पहली बार सॉल्व कर रहा हूं, ऐसा नहीं है कि मैं इनको सॉल्व करके आया हूं, बस गलती हो जाए छोटी मोटी तो माफ़ करने की आदत तो आपने बनाई ली होगी अब तक। चलिए तो देखते हैं, श्रीमान एक्स सामने से सामने से कहिए या शुरू से कहिए, क्योंकि दूसरा वाला अंत से बोल रहा है, तो इसको हम शुरू मान सकते हैं सामने की जगह, 14वें पर, तो 14वां मान लूं और नाम है इनका श्रीमान एक्स, बहुत इज्जत के साथ बोला गया नाम है, ये लीजिए, और श्रीमान वाई अंत से 17वें पर है, तो मैं फिलहाल यहीं ले लेता हूं श्रीमान वाई को और नंबर 17वां ले लेता हूं, बहुत सही है, बहुत सही है जी। जबकि श्रीमान जेड श्रीमान एक्स और श्रीमान वाई के ठीक बीच में है, तो ठीक बीच का मतलब ठीक बीच ही होता है, जो अगर यहाँ पता लग गई मुझे 2 लोग हैं तो यहाँ भी 2 ही मानने पड़ेंगे, पता लग गई इन दोनों के बीच में 3 लोग हैं तो यहाँ भी 3 ही मानने पड़ेंगे, ये होता है ठीक बीच। चलिए
अब आगे बोलता है, यदि श्रीमान एक्स श्रीमान वाई के आगे हैं, श्रीमान एक्स श्रीमान वाई के आगे, मतलब इस साइड को आगे बोला गया है, ठीक है, ये तो हम आगे मान ही रहे थे। तो पंक्ति में कुल 48 व्यक्ति हैं। अब यहाँ पे उन्होंने ये नहीं बताया कि कितना आगे है, अब ये बात बताई नहीं है, श्रीमान एक्स श्रीमान वाई के आगे है। अब आगे तो ये है, आगे आपके बिल्कुल आगे, ठीक आगे कर दो, अगला ही कर दो, तो फिर इनके बीच में जेड को कैसे फिट करेंगे, ठीक है, तो ऐसा हो नहीं सकता। तो अब कहते हैं टोटल 48 लोग हैं, तो श्रीमान एक्स और श्रीमान जेड के बीच में कितने लोग हैं, अब आपको पता है टोटल 48 हैं, 14 यहाँ तक ऑलरेडी हो चुके हैं, 17 यहाँ तक बिल्कुल हो चुके हैं, तो इसका मतलब 31 का काम हमने ख़त्म कर दिया, क्योंकि ये दाएं से 17वां आया है, तो यहाँ तक 17 लोग भरे पड़े हैं, इसमें 14 लोग भरे पड़े हैं, 31 लोग का काम फाइनल कर चुके हैं, तो आगे बचते हैं मात्र 17 लोग, 17 ही तो बचे, और वो 17 इनके बीच में फिट करने हैं आपको, बीच में, तभी तो 48 होगा, और एक जना ये बीच में बीचों बीच बैठा ही है, तो 8 इधर होंगे, 17 तभी तो बिठा सकते हो दोनों के बीच में, 8 इधर और एक बीच में, तो 17 लोग हमने बिल्कुल सेट कर दिए। तो अब पूछा क्या है कि श्रीमान एक्स और श्रीमान जेड के बीच में कितने लोग हैं, मात्र 8 लोग, और अब मैं कह दूं इसका उत्तर आपके सामने 8, ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, ऐसा होना चाहिए और आपको करना भी चाहिए। अब आपको लग रहा होगा कि हम अब कर सकते हैं जी, कॉन्फिडेंस लौट रहा है हमारा, चलिए क्वेश्चन है अगला आपके सामने। 35 छात्रों की एक कक्षा में करुणा को नीचे से 7वें स्थान पर रखा गया है, जबकि सुरेंद्र को ऊपर से 9वें स्थान पर रखा गया है, तो मैं एक लाइन बना लेता हूं, बना लो जी, कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई समस्या नहीं है। तो उस करुणा को 7वें स्थान पर कहाँ से, नीचे से, तो ये लीजिए करुणा 7वें स्थान पर, करुणा आ गई नीचे से, बहुत सही आ गई जी, जबकि सुरेंद्र ऊपर से 9वें पर, सुरेंद्र को 9वां कर दो ऊपर से, नाम है सुरेंद्र, सुरेंद्र, चलिए सूरी कह दो, सूरी साहब, ठीक है। यदि मोहन बिल्कुल दोनों के ठीक बीच में है, तो ठीक बीच की तो बात, दोनों के बीच में है, बिल्कुल दोनों के बीच में है, तो ठीक बीच में है, नाम है इनका मोहन, मोहन, चलिए आगे बात करता हूँ, करुणा मोहन से कितने स्थान पर है, मोहन से करुणा कितने स्थान ऊपर नीचे, छोड़ो वो बात, अब देखता हूँ कितने स्थानों का फर्क है, बस दोनों में ये देखना है। तो मुझे पता है टोटल लोग हैं 35, अब मेरे 35 का क्या यूज है, अब आप देखिए यहाँ तक 9 लोग हैं कि नहीं है, जो पता है उन चीज़ों का यूज़ करिए, यहाँ तक 16 लोग हैं कि नहीं है, 9, 7, 16 हो गए, ऊपर 35 थे तो कितने बचे, तो 35 में से अगर मैं 16 घटाऊंगा तो मुझे पता लगेगा ये तो 17 ही आ जाएगा वापस से, अगर 17 आ गया, एक जना बिल्कुल 17 में बीच में हो जाए, तो बच जाते हैं 16 लोग, और 16 बच जाते हैं तो 8 यहाँ होंगे, 8 यहाँ होंगे, अब उत्तर हमें 8 देना है या 9 देना है, फर्क इस बात का है, क्योंकि इसने ये नहीं पूछा कि करुणा और मोहन के बीच में कितने, पिछले जैसा सवाल नहीं पूछा, बीच में पूछता है, अच्छा 19 और 16 35, हाँ सॉरी भाई 7, 6, 13 बहुत बढ़िया, ये 19 आएगा भाई, 17 में गलत कर रहा हूँ, अगर मैं 19 बोलूँ तो दोस्तों एक बीच में है तो बच गए 18, तो यहाँ 9 हो जाएंगे और यहाँ भी 9 हो जाएंगे, तो 8-8 ना हो के 9-9 हो जाएंगे वो, अब मैं बीच में 9 बोलूँगा, बीच में तो 9 ही बोलूँगा, उत्तर या तो 9 आएगा या 10 आएगा, अब आप सोचिएगा 9 आना चाहिए या 10 आना चाहिए, करुणा मोहन से कितने स्थान पर है, मोहन ये रहा करुणा का स्थान, क्योंकि बीच में ही 9 लोग हैं, ऐसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 यहाँ बैठ जाएगा, और जब मैं इसको देखूंगा करुणा थोड़ी आई है 9वें पर, 10वें पर आई है करुणा, तो 10वां स्थान बैठेगा करुणा का मोहन से, तो आपका आंसर 10वां होना चाहिए ना कि 9वां, बहुत बच्चे इसमें 9 भी कर सकते हैं गलती से, चलिए तो ये और अच्छा सवाल हो गया पिछले से भी,
ठीक है, तो दसवां आपका आंसर आना चाहिए। अगला सवाल आपकी सेवा में क्या है, अब देखिए अगली टाइप है ये, टाइप पंक्तियों में कुल व्यक्तियों की कम से कम संख्या ज्ञात करना, ये बड़े खतरनाक क्वेश्चन माने जाते हैं, कि जहां भाई कम से कम का सवाल आ जाएगा ये टाइप और कंप्लीट करवा देता हूं आज, और फिर थर्ड वीडियो में इस चैप्टर को बिल्कुल खत्म कर देंगे हम लोग। चलिए तो अब ये क्या है क्वेश्चन, एक पंक्ति में ए तथा बी के मध्य में 6 लड़के हैं, ए पंक्ति में सबसे पहला लड़का है, ठीक है जी, चलो बना ही लेते हैं, क्या दिक्कत है, बना लेते हैं, कैसे बना लें, बाएं दाएं की बात आ रही है, नहीं ऐसे ही बना लो फिर पंक्ति, बाएं दाएं की बात नहीं है। तो ए तथा बी के बीच में 6 लड़के हैं, अब आप 6 कैसे कर सकते हो, तो चलो भाई ए और बी मैं ऐसे बना लेता हूं, ये ए हो गया, मुझे क्या पता कहां बैठा, 6 बना लेता हूं, ठीक है, जैसा मुझे समझ में आ रहा है। ए पंक्ति में सबसे पहला लड़का है, अच्छा तो पंक्ति तो हमने ऊपर बेकार में बना रखी है, फिर ये तो पंक्ति में ए को पहला लड़का अब बना दिया मैंने, ठीक है। चलिए अब देखता हूं और क्या होती है, और क्या खिचड़ी पकाता है भाई, यहां बी तथा सी के मध्य में 3 लड़के हैं, तो मैं एक जनरल सोच के अनुसार ये करता हूं कि बी और सी के बीच में 3 लड़के हैं, सिंपल सी बात, यदि सी के पश्चात 12 लड़के हों तो ये 12 लड़के हो गए सी के पश्चात, जब मैं ऊपर से गिनता हुआ आ रहा हूं तो पश्चात यही मानूंगा। तो बोलता है पंक्ति में कम से कम कितने लड़के हैं, तो एक जो जनरल सी सोच है हमारी, मैं उस हिसाब से आपको बता रहा हूं कि हम क्या करते हैं, दोनों के बीच में है तो ये एक ये भी हो गया, एक ये भी हो गया, ये भी हो गया, 3 लोग तो ये हो गए, 3 और 6 9 और 3 12 और 12 24, तो इस हिसाब से हम 24 को लगा के और उत्तर सही कर जाएंगे, जबकि आपने इसका क्या यूज किया ये बता दीजिए, आप कहोगे इसका तो कोई यूज ही नहीं है, 24 लड़के लगाएंगे और सवाल हो जाएगा गलत, ठीक है, ऐसा करना गलत है, आप बिल्कुल सारे स्टेप सही ले रहे हो लेकिन फिर भी गलत है, क्यों गलत है उसका कारण बताऊंगा। उसने बोला है इन एबीसी को ऐसे स्थानों पर सेट करो जो कम से कम बैठे, मतलब ये सारी शर्तें भी सही हो जाएं और कम से कम लोग आ जाएं। तो अब देखिए मैं कैसे इनको सेट करता हूं, ए के साथ मैं कोई छेड़खानी कर ही नहीं सकता क्योंकि ए तो पहला लड़का है, उसने साफ साफ बोल दिया, ठीक है, और उसने बोला है कि ए और बी के बीच में 6 लड़के हैं, तो मैं बी को अगर यहां मान लूं और दोनों के बीच में बोल दूं कि 6 हैं, 6 कहां से कहां तक है, यहां से यहां तक है, ठीक है, कोई डाउट नहीं है जी। अब बोलता है बी और सी के बीच में 3 है, तो हमने पहले सी यहां ले लिया था जनरल सोच के अनुसार, तो अब मैं अगर सी को यहां ले लूं तो क्या कोई बुराई हो जाएगी, अगर मैं यहां 3 मान लूं तो क्या कोई बुराई है, तो वो 6 की कंडीशन हमने नहीं छेड़ी, देखो 6 मुझे करने ना ए और बी के बीच में, 3 तो ये रहे, ये ए और बी के बीच में भी तो लगेंगे, एक सी भी आ गया बीच में, 4 हो गए और 2 ऊपर हो गए, तो ऐसे मैंने देखा ए और बी के बीच में 6 भी बैठ गए और बी और सी के बीच में 3 भी बैठ गए, उन्हीं तीनों से काम हो गया ए और बी का भी, बहुत बढ़िया बात कह दीजिए, तो ये बात ही तो आपको सोचनी होती है इन सवालों में हटके। और आगे बोलता है कि सी के पश्चात 12 लड़के हैं, अब देखिए ये 3 भी जुड़ जाएंगे अब सी के पश्चात में, तो कम तो होंगे लड़के, जरूर होंगे, 3 तो ये रहा और 4 ये रहा, 4 लोग हो गए और 4 में 8 और कर दूं तो हो गए सी के पश्चात भी 12, बिल्कुल आपने सही सेट किया है, अब बस गिनती कर दो कितने लोग अब टोटल बन गए हैं, आपका उत्तर बिल्कुल डिफरेंट आएगा इस वाले उत्तर से, तो देखिएगा 8 और एक बी हो गया 9, 3 लोग ये हो गए 12, 13, 2 ये हो गए 15 और एक 16, तो हमारा 16 लड़कों में ही काम चल गया जो 24 में चलने वाला था। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिर्फ SSC CGL में नहीं आया,
ये तो बस लेटेस्ट एग्ज़ाम का लिखा हुआ है, इसमें इससे पहले बहुत सारे एग्ज़ाम्स में यही क्वेश्चन सेम टू सेम इन्हीं संख्याओं के साथ पूछा जा चुका है कई सारे एग्ज़ाम्स में। ठीक है, चलिए आगे बात करता हूँ। किसी पंक्ति में ए बाएं से, अगला सवाल आप लोगों की सेवा में, और आप देखिएगा कि ये सवाल आप कर पाते हैं या नहीं, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको कर देना चाहिए। ए बाएं से 15वें, तो पंक्ति ऐसे बनाई है मैंने, और ए बाएं से दोस्तों बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि बहुत अच्छे से आपको समझ में आए, कोई डाउट बिल्कुल इतना सा भी ना रहे। ठीक है, ए बाएं से 15वें पर, बी दाएं से 20वें पर, बी को जब मैं इधर से लेता हूँ तो इसका नाम है बी, और दाएं से 20वें पर तो मैं इधर से कर देता हूँ। यदि ए तथा बी के बीच में 8 व्यक्ति हों तो ए तथा बी के बीच में मैं 8 लोग कर देता हूँ। तो पंक्ति में कम से कम कितने लोग, अब मैंने तो इस बात पे अभी भी ध्यान नहीं दिया, तो अब जनरल सोच जो होती है हमारी, 20 लोग यहाँ तक हो गए पंक्ति में, 15 लोग यहाँ तक हो गए, तो पंक्ति ये वाले हिस्से तो कवर हो गए, और 20 15 35 और 8 43, हम 43 लगा के, या यूँ कहेंगे उत्तर है ही नहीं, तो इनमें से कोई नहीं लगा के आ सकते हैं उत्तर में। ठीक है, तो अब जो है ये तरीका आपने अपनाया नॉर्मल, अब कम से कम वाले में मैं क्या कर सकता हूँ, देखिए मैं ए और बी को क्रॉस करवा सकता हूँ, यही मेरे पास ऑप्शन है और कुछ नहीं। आप कहो जी कैसे सोचा, और कर भी क्या सकते हो, क्योंकि देखो आपको वो सोचना है जिससे कम से कम बच्चे हों, तो भाई ये 8 जो है ये क्रॉस भी कर जाएंगे, और इन दोनों में भी उनकी काउंटिंग हो रही है 15 और 20 में भी, तो एक्स्ट्रा 35 से एक्स्ट्रा बच्चे बैठेंगे ही नहीं, 35 36 में ही काम हो जाएगा आपका, उससे कम कम में ही काम हो जाएगा, देखता हूँ 35 से कम कम में ही काम हो जाएगा। चलिए अब मैं इसको करता हूँ ऐसे, ए का स्थान बाएं से, तो बायां ये रहा और दायां ये रहा। अब मैं कम से कम को ध्यान में रख के कर रहा हूं भाई, अब मुझे पता है मुझे इस तरीके से करना है सवाल, गलत करके इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि ये गलती आप करते हो, तो मैं कर देता हूं पहले ही, इसलिए आपको नहीं करनी है एग्जाम में। तो ए बाएं से कितने पर है, 15वें पर, लो 15 पर, यहां भी तो हो सकता है वो गिनते हुए आए, 15 यहां बैठे, क्या कर सकते हो आप, तो इसका नाम है ए, ए नाम है इन साहब का। बी दाएं से 20वें पर है, तो बी को क्रॉस कराते हुए बी को यहां मान लीजिए, और ये आ जाता है 20वें पर, ऐसे तो क्रॉस कर सकते हो, इसमें कोई पाप नहीं है। चलिए अब आप देखोगे दोनों के बीच में 8 तो अब भी हो सकते हैं, तो मैं कहूँ 1 2 3 4 5 6 7 8, क्या डंडे की खींचने की जरूरत है, नहीं, आपको वो बात भी बता दूंगा, आप सीधा ये कर दोगे, पर डंडा इसलिए खींच रहा हूँ ताकि आपको बहुत अच्छे से समझा सकूँ कि टोटल कैसे काउंट करते हैं। चलिए तो अब आप बताइए, आपको पंक्ति में देखना है, टोटल पंक्ति कवर करनी है कितने लोग हैं, तो मैं कहूँ कि ये स्थान 20वां है, तो ये यहां तक पंक्ति 20 हो गए, अब बस मुझे ये पता करना है इधर कितने लोग हैं, तो पंक्ति कवर हो जाएगी। तो मैं कैसे कवर करूं भाई, इधर का मुझे कैसे पता लग सकता है, तो इधर से मुझे कोई स्थान चाहिए जो आपको पता हो, तो आप कह रहे हो ये स्थान पता है हमें 15वां, ये स्थान इधर से 15वां पता है, तो ये स्थान 14वां हो जाएगा, ये 13वां हो जाएगा, इधर से ये 12वां, ये 11, ये 10, ये 9, ये 8, ये 7, और ये स्थान इधर से 6ठा, तो ये तो इधर से 20वां भी पता था, जब दोनों स्थान पता लग जाए एक आदमी के तो वैसे ही काउंटिंग हो जाती है, पर कोई बात नहीं, ये स्थान इधर से क्या आया 6ठा, तो 6ठा इसका मतलब इधर 5 लोग होंगे, 20वां तक, 5 यहां तक, 25 में हमारा काम बहुत ही आसानी से चल गया। ठीक है, तो इसका उत्तर 25 आएगा। अब आप कहो जी डंडे खींचना, और ये बीच में मान लीजिए 8 की बजाय 20 भी कह सकता था, 50 भी कह सकता था, तो हमारे लिए आफत खड़ी हो जाती, तो मैं आपको बताता हूं उसका तरीका कि बीच में अगर लोग हो 8, बीच में अगर लोग हो 8, तो आपको इसका स्थान पता करना है, मान लीजिए इधर से इन दोनों के बीच में ही तो है 8, मुझे इसका स्थान पता है, मुझे इसका देखना है इधर से, तो इन दोनों के बीच में 8 है, तो 15 में से 8 ना घटा के, क्योंकि 8 घटने पे तो इसका स्थान आएगा, मुझे चाहिए इसका, तो एक फालतू घटाते हैं, तो 15 में से 9 स्थान घटाऊंगा, अर्थात इसका फिर इधर से पता लग जाएगा कितना स्थान है,
क्यों? पंद्रहवा, और जितने बीच में आए हैं बोल रहा है वो आठ हैं, तो नौ घटा दीजिए, पंद्रह में से नौ गए तो इसका स्थान छठा हो जाएगा, तो छठा इसका, तो इधर इसके इधर पाँच हो जाएंगे, और बहुत ही आसानी से आप कर पाओगे। बीच में अब चाहे बीस भी कह देता तो मैं यहाँ से जो भी संख्या होती उसमें से इक्कीस घटा लेता, ठीक है, ये बड़ी संख्या मिलेगी, ठीक है। चलिए, तो चलो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से लाइन वाइज भी समझ में आ गया और ये बात भी लास्ट की बता दी। अब अगले सवाल की तरफ मूव करता हूँ, और फिर आ गया है, अब आप कहो इसमें कहीं भी कम से कम नहीं दे रखा, लेकिन आपको मजबूरी में कम से कम कैसे मानना पड़ता है वो सिखाऊंगा। चलिए, मजबूरी भी आती है कहीं कहीं सामने, हम नहीं चाहते कि कम से कम कुछ दिया है उसने, नहीं दिया, लेकिन साथ में एक कंडीशन दे दिया है कि 50 से कम छात्र हैं, ये कंडीशन आपको मजबूर कर देगी कि आप कम से कम ही लोगे। कैसे? अगर नहीं, अगर आप इस कंडीशन को इग्नोर करते हैं तो आप क्या करेंगे? रवि एक सिरे से 26वां है, तो आप पता ये करते हो, रवि एक सिरे से, कौन से सिरे से, कोई बाएं दाएं नहीं बोला, तो मैं ऊपर नीचे भी कर सकता हूं, ठीक है। चलिए ऐसे ही बना लेता हूं, इधर साफ सा भी लग रहा है, रवि एक सिरे से 26वां है, तो मैं कह देता हूं 26वां ये रवि है और ऊपर से है, ठीक है। अब बोलता है जबकि सीमा दूसरे सिरे से 22वें पर है, तो मैं सीमा बोल देता हूं और 22वें पर है, ठीक है। तो 26 और 22 कितने हो जाते हैं? 48, ठीक है। अभी तो ऊपर नहीं बात बनी, लेकिन बोलता है रवि और सीमा के बीच में 19 लोग हैं, तो अब बताओ आप 50 से कम पर रोक पाओगे क्या सवाल को? टोटल 50 से कम कैसे कर पाओगे? तो 26 और 22 48 तो यही हो गए, और 19 और जोड़ोगे तो 67 लोग बैठ जाएंगे, और कह रहा है 50 से कम, इसका मतलब आपको रवि और सीमा को क्रॉस कराना पड़ेगा, क्रॉस कराना पड़ेगा भाई, क्रॉस वाला ही क्वेश्चन आ गया फिर से। तो देखते हैं आप कैसे करते हैं इस क्रॉस वाले को, टेंशन बिल्कुल मत लो, और ये सवाल अब भी ऐसे ही होगा जैसे इसको होना चाहिए था, मतलब कम से कम के तरीके से। रवि एक सिरे से 26वां है, तो एक सिरे से रवि को यहां मान लेता हूं, और नाम है रवि और इसका नंबर है 26 ऊपर से। दूसरा नाम है सीमा का, वो दूसरे सिरे से 22वें पर है, दूसरा सिरा ये रहा और ये 22वां नंबर है। क्या नाम है? सीमा नाम है। बहुत सही भाई, चलिए क्रॉस कर लिया मैंने, पिछले में नहीं किया था, तो क्या हाल हो गया हमारा हमें पता, ठीक है। अब बोलता है दोनों के बीच में 19 है, तो मुझे अब कोई टेंशन भी नहीं है, मैं रख सकता हूँ, 50 से कम ही बैठेंगे, अब उत्तर भी सारे 50 से कम ही आ रहे हैं आपके। अब मैं आपको दिखाता हूँ कितने लोग हैं टोटल, टोटल गिनना आना चाहिए आपको, अगर आपने टोटल गिनना सीख लिया समझ लो ये सवाल कभी आपको परेशान नहीं करेंगे। तो मैं कैसे टोटल गिनूं? आप या तो एक साइड से यहाँ 26 ले लो, फिर इसके नीचे के काउंट कर लेना, या आप ऐसे कर लो यहाँ तक 22 ले लो, उससे ऊपर के काउंट कर लेना, जो आपका मन करे, आपको जो आसान लगे। चलो जी हम ऐसे ही कर लेते हैं, यहाँ तक तो 22 लोग हैं ही, तो पंक्ति में यहाँ तक तो 22 लोग हो गए। अगर मुझे ये पता लग जाए कि ऊपर कितने लोग हैं तो मेरा काम बहुत आसान हो जाएगा। कैसे पता लगाऊंगा? ध्यान दो, तो ऊपर से मुझे कोई स्थान पता होना चाहिए, ये पता है 26वां। अब ये 26वां, तो ये कितनेवां होगा ऊपर से? बीच में कितने हैं? 19, तो 26 में से 20 घटाओ, जैसे पिछले में किया था, 19 लोग हैं बीच में, लेकिन घटाऊंगा 20, क्योंकि 19 तक मैं यहीं पहुंचूंगा, मुझे इस तक पहुंचना है, तो मुझे 20 घटाना पड़ेगा, तो ये स्थान ऊपर से छठा हो जाएगा। 26 में से जैसे ही मैं 20 माइनस करूंगा तो ये स्थान ऊपर से छठा होगा, तो इसके ऊपर कितने लोग हो गए? मात्र 5 लोग। तो मुझे पता लग गया कि 22 यहां तक, 5 ऊपर, और मेरा उत्तर 27। इस तरीके से मैं इन सवालों को बहुत ही आसान मेथड से कर सकता हूं। भाई समझ में आ रहे या नहीं आ रहे ये बात बताइए, वहां भी आया आपको समझ में? छोटू आ गया, चल ठीक। छोटू चिल्लावे हैं तुझे यार, अच्छा तू नाम बताना फिर हम लेंगे नाम, रोहित। चल तो ऐसे क्यों यार, शर्माओ मत, बता देगा, मैं सोच रहा नाम ही तेरा छोटू है, बतेर लंबा वैसे तो। चल आ गया, जाओ एक पंक्ति में मोहन। अब देखिए न्यूनतम
अब मेरे ख्याल से ये इस टाइप का लास्ट सवाल है। अब आपको परफेक्ट हो जाने चाहिए, अगर आपने ये कर दिया तो मैं मानूंगा कि आज का पढ़ाना सफल हो गया, क्योंकि कम से कम वाले सवालों से बच्चे डरते हैं इस चैप्टर में आने से, ठीक है। पर अब आज के बाद आपको डर लगना बंद हो जाएगा इन सवालों से। तो एक पंक्ति में मोहन पीछे से सातवां है, पीछे आगे की पंक्ति है, तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहे तो ऐसे ही लाइन बना लो। पीछे का मतलब है नीचे से और आगे का मतलब है ऊपर से, ऐसे मान सकते हो, ठीक है। तो मोहन पीछे से सातवां, तो ये रहा इसका नाम है मोहन पीछे से सातवां, ये लो भाई सातवां। और फिर क्या करूं, जबकि सोहन आगे से छठा, तो इसका नाम है सोहन और ये आगे से क्या है छठा, कहां से ऊपर से, आगे मतलब ऊपर, ठीक है। तो राम इन दोनों के ठीक बीच में खड़ा है, चलो बीच में खड़ा कर लेता हूं राम। अब आप कहोगे इतना तो सोचने लगे होगे जी न्यूनतम आया आपने ऐसे क्यों लिए, आपको ऐसा लेना ही नहीं चाहिए। अगर आप ऐसे कहने लग गए हो तो मैं समझूंगा आप समझ रहे हो बात को, ऐसे मेरा उत्तर कभी नहीं आएगा जिंदगी में भी, ठीक है। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि मैं एक और तरीका जानता हूं कम से कम के लिए, तो मैं यही करता हूं। अब पंक्ति में मोहन पीछे से सातवां, ये लो सातवां है और नाम है मोहन, और किधर से, नीचे से या पीछे से। जबकि सोहन आगे से छटा, तो सोहन को यहां ले आओ और ये आगे से छटा यानी ऊपर से, बहुत सही। राम इन दोनों के ठीक बीच में है, चलो जी राम भी आ गया। तो लड़कों की न्यूनतम संख्या क्या होगी, ये घना तगड़ा सवाल बना दिया। चलो अब ये हमें नहीं पता कि राम जो ठीक बीच में, राम अकेला ही बीच में इसलिए तगड़ा है, हो सकता है कि राम के साथ साथ और लोग भी बीच में हों, क्योंकि अगर मैं अकेला ही राम को मानूं, ऐसा जरूरी नहीं है। उसने बोला है राम इन दोनों के बीच में खड़ा है, और कोई है या नहीं है इस बात की पुष्टि नहीं करी। तो अगर मैं सिर्फ राम को मानूं तो मेरा उत्तर क्या आएगा, तो मैं देखता हूं। तो देखिए ये आदमी ऊपर से छटा है, तो यहां तक छह लोग हो जाएंगे पंक्ति में, कहां तक, यहां तक सोहन तक छह। ये नीचे से सातवां, तो नीचे मुझे चाहिए कि सोहन के नीचे कितने लोग हैं, तो ये नीचे से सातवां, तो राम छठा नीचे से और ये पांचवा नीचे से, तो फिर चार ही बचेंगे। और उत्तर आपका दस भी इंतजार कर रहा है, तो मेरे ख्याल से दस भी गलत नहीं है, पर और भी अगर आप न्यूनतम ले सकते हो तो फिर वो ज्यादा सही है, ठीक है। इससे और न्यूनतम क्या करूं, एक एक और ले आता हूं बीच में। अब भी तो राम दोनों के बीच में खड़ा है, बिल्कुल खड़ा है जी, अब भी है बिल्कुल ठीक बीच में है जी। अब देखना उत्तर में फर्क आ जाएगा, और आएगा क्यों नहीं। छह मानता हूं सोहन का स्थान, छठा मानता हूं सोहन का स्थान, तो भाई अब मुझे सोहन के नीचे चाहिए आदमी, कितने आदमी हैं, तो जरा देखता हूं। ये आदमी ऊपर से सातवां, नीचे से सातवां है, तो ये छठा, पांचवा, चौथा, तीसरा, तो बीच नीचे दो ही हुए, तो सोहन तक छह लोग और नीचे दो, इसका मतलब आठ में भी काम चल जाएगा, और आठ से कोई छोटा उत्तर नहीं है, तो आठ सबसे बेस्ट उत्तर है। अगर आपने एक एक और बीच में ले दिया ना, तो फिर सवाल गड़बड़ कर जाएगा। क्यों गड़बड़ कर जाएगा, देखो सोहन ऊपर से छठा बैठेगा ही नहीं, फिर एक इसको भी मान लो, चलो दो तीन चार पांच छह, सोहन फिर ऊपर से सातवां बैठेगा, इसलिए आप एक एक ही बीच में ले सकते हो, दो दो बीच में ले ही नहीं सकते, ठीक है। तो इसका उत्तर बेस्ट उत्तर है आठ, ना कि दस। बहुत बच्चे इसको भी गलत करेंगे, और अगर आपने सही किया है तो आप इस धरती पे मतलब कोई अजूबा ही पैदा हुए हैं। चलो तो अब कोई ऐसा सवाल नहीं है कि जो न्यूनतम का हो, अब जैसे भी हैं स्थान अदलने बदलने वाले हैं, उन सवालों की वो लास्ट टाइप रह गई है, उनमें भी बेहतर से बेहतर क्वेश्चन कराऊंगा, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन कराऊंगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, क्वेश्चन बहुत अच्छे लगे होंगे ये ज़रूर बताइएगा, और साथ में ये भी बताइएगा कि भाई आप लोगों के ये वीडियो कैसी लग रही हैं, ठीक है, समझ में भी आ रही है या नहीं आ रही है। ऐसे ही मूड मार के चला जाता हूँ मैं आप लोगों के सामने। ओके बाय बाय, फिर मिलते हैं।